हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो गाइज वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट का बहुत ही शानदार टॉपिक जो कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। और गाइज ये हमारा वीडियो लेक्चर है 4। एंड इससे पहले हम इस चैप्टर के 3 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वाले वीडियो लेक्चर देखिए एंड देन इस वाले वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करना। आपको क्लियर समझ आएगा कि यूनिट्स क्या होती है, मेजरमेंट्स क्या होता है, क्या नीड ऑफ मेजरमेंट थी, तो जो सो मैनी टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो गाइज डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब हुआ कि फंडामेंट किसी भी हम डिराइव्ड क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं या लिखते हैं। तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो क्वांटिटीज की जो पावर हम रेज करेंगे, जो पावर होगी उनको, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, डायमेंशंस कहेंगे। कि यहाँ पर देखो हमने डेफिनेशन लिखी है, तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से क्लियर समझ आएगा आपको। अगर हमारे पास है, सपोज करो हमने लिखा एरिया, हमने लिखा एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ को हम क्या लिख सकते हैं? तो लेंथ की डायमेंशन, लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ से ही करते हैं। और ब्रेथ को भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ से, क्योंकि ब्रेथ भी एक टाइप की क्या होती है? लेंथ होती है। तो लेंथ इंटू लेंथ हमने क्या लिख दिया इसको? एल का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, एरिया एक हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है, एरिया को हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिखा और उसकी पावर कितनी आई हमारी? 2i। तो हम क्या कहेंगे कि एरिया की जो डायमेंशन है लेंथ में वो कितनी है? 2 है। तो गाइज अगर आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं पढ़ी है तो आप पहले वाले वीडियो लेक्चर को देखिए हमारे, वहाँ पर मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। एक बार मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है कितनी होती है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। कौन कौन सी होती है? लेंथ, मास, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैसे दिखाते हैं? केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। एल का मतलब हुआ लेंथ, एम फॉर मास, टी फॉर टाइम, ए फॉर एम्पियर करंट, के फॉर केल्विन टेम्परेचर, सी डी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो क्या होगा, हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिखेंगे और जो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की रेज्ड पावर होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन से बोलेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। जैसे दूसरा हमने लिखा वॉल्यूम निकाला, हमने निकाला वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लिखते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ देखिए लेंथ तो लेंथ को तो एल ही हुआ, ब्रेथ वी एल है, एक टाइप की लेंथ एंड हाइट वी लेंथ है, इसको एल लिखा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? एल क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम की लेंथ में डायमेंशन कितनी है? 3 है। अब यहाँ पर मास और टाइम तो नहीं आया है, तो हम क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम की जो मास में डायमेंशन है वो क्या है? 0 है। एंड टाइम में भी क्या है? 0 है। सिमिलरली अगर थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हम, डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशन क्या हो, मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। मास क्या हो गया हमारा? एम अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम का भी हमने निकाला, क्या निकाला? वॉल्यूम को लिखते हैं एल का क्यूब। अब देखिए इस एल क्यूब को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या लिख सकता हूँ? एम एल माइनस 3। अब यहाँ पर एम कुछ नहीं है तो मैं क्या लगाता हूँ? एम की पावर में 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि डेंसिटी की जो मास में डायमेंशन है वो कितनी है? 1 है। एंड लेंथ में डायमेंशन कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन लेंथ, कितनी है? 1। एंड इन मास, एंड इन लेंथ में, सॉरी डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इन मास, सॉरी मास में कितनी है? मास में हमारी, मास में डायमेंशन है उसकी कितनी है? 1 है। एंड इन लेंथ, लेंथ में कितनी है? लेंथ में उसकी डायमेंशन कितनी आई है? -3। तो डायमेंशन का मतलब आपको क्लियर समझ में आया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल पढ़ते हैं हम इसके। तो गाइज अब हम पहला डायमेंशन निकालेंगे, हम वन बाय वन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको डायमेंशन निकालना भी सिखाऊंगा इसमें। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ होती है। लेंथ को क्या लिखा? एल अपॉन टाइम का क्या होता है? टी। तो ये टी की पावर 1 और एल की पावर 1।
अभी टी को यहाँ से क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल की पावर वन, टी की पावर कितना हो जाएगा माइनस वन। तो हम क्या कहेंगे, जो स्पीड की डायमेंशन है, लेंथ में कितनी है वन और टाइम में कितनी है माइनस वन, तो स्पीड की डायमेंशन कितनी आई एल टी माइनस वन। और हाँ, एक और चीज़ नोट करना है यहाँ पर, डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है। जब डायमेंशन को हमेशा किस में रखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में, याद रखना है, डायमेंशन को हमें किस में रखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है डायमेंशन को। चलिए दूसरा पढ़ते हैं हम, स्पीड हो गया हमारा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेंसिटी का, दोबारा निकालते हैं डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का कितना होता है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो एल इंटू एल इंटू एल क्या लिख देंगे, एल का क्यूब। तो इसे क्या लिख सकते हैं, एम की पावर वन एल की पावर माइनस थ्री। ये क्या आएगा, इसका डायमेंशन आएगा। तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इन मास वन एंड इन लेंथ माइनस थ्री। अब मैं आपको यहाँ पर यूनिट निकालना भी सिखाता हूँ, इधर से हम क्या निकालेंगे, इनकी यूनिट भी निकालेंगे। देखिए स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, अपॉन टाइम की यूनिट क्या है सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली डेंसिटी इक्वल टू क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट, मास की यूनिट क्या होती है केजी, यहाँ पर लिख देना, यहाँ यूनिट निकालेंगे केजी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम की क्या लिखते हैं, लेंथ का क्यूब है तो क्या लिखेंगे, मीटर का क्यूब। तो क्या लिखेंगे इसको, केजी पर मीटर क्यूब। ऐसे इनकी यूनिट्स भी निकाल सकते हैं हम। थर्ड पढ़ेंगे हम, थर्ड पढ़ते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप क्या होती है लेंथ। तो यहाँ लिख देंगे लेंथ अपॉन टाइम का टी, वन वन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एल वन टी माइनस वन। यूनिट क्या है, तो इसका डायमेंशन कितना है, तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन है लेंथ में वो कितनी है, लेंथ में कितनी है वन एंड टाइम में माइनस वन। यूनिट क्या आएगी इसकी, यूनिट निकालते हैं एल का क्या होगा मीटर, डिस्प्लेसमेंट तो मीटर में होगा, अपॉन टाइम का मीटर पर क्या हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं हम, क्वांटिटी नंबर हमारा क्या आएगा फोर, हमारा आएगा एक्सीलरेशन पढ़ते हैं। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी आप काइनेमेटिक्स में पढ़ोगे एक्सीलरेशन के बारे में डिटेल में, वेलोसिटी अपॉन क्या होगा टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी की डायमेंशन निकालिए क्या है हमारा, एल टी माइनस वन अपॉन टाइम का कितना होगा टी की पावर वन। इस टी की पावर वन को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, टी की पावर माइनस वन ही है, ये भी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस वन। तो इसकी डायमेंशन कितना आएगा हमारा, इसका डायमेंशन आएगा हमारा एल टी माइनस टू। एक्सीलरेशन का डायमेंशन कितना है एल टी माइनस टू। अब इसकी यूनिट लिखते हैं, यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पर, देखिए यूनिट डायमेंशन यहाँ पर क्या है एल, एल का मतलब हो जाएगा मीटर इंटू टाइम का क्या होता है सेकेंड, सेकेंड की बार कितना हो जाएगा माइनस टू। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे एक्सीलरेशन के हैं। नेक्स्ट कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर देखिए फोर्स का क्या हो जाएगा, मास का क्या हो जाएगा एम इंटू एक्सीलरेशन का बताया था मैंने, एक्सीलरेशन का क्या होगा एल टी माइनस टू। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। अब इसकी यूनिट निकालते हैं, देखिए यूनिट हम निकालेंगे यहाँ से, देखिए यूनिट क्या है इसकी, मास का क्या होगा केजी एंड एक्सीलरेशन का क्या होता है, एक्सीलरेशन का होता है मीटर इंटू पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम जो एसआई में कहते हैं, इसको बोलते हैं न्यूटन। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं न्यूटन, इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं केजी पर मीटर स्क्वायर को। और हाँ गाइज, अगर किसी भी साइंटिस्ट के नाम पर जब भी कोई यूनिट लिखी जाती है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल लिखेंगे, तो जो भी साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट होगी हमारी के, तो हम उसे क्या लिखेंगे हमेशा, जैसे के फॉर केल्विन, तो किसी साइंटिस्ट के नाम पर जो भी यूनिट होगी हमारी हम उसे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम डायमेंशन, जो फोर्स की बात पढ़ेंगे हम, वर्क पढ़ते हैं। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन भी हमने लिखी है, क्या फोर्स की डायमेंशन आई एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है एल। तो क्या आएगी हमारी डायमेंशन, यहाँ देखिए एल की पावर वन यहाँ भी है वन यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये हमारी किसकी आएगी, वर्क की डायमेंशन आएगी। तो यहाँ से वर्क की यूनिट लिखते हैं, यूनिट क्या आएगी हमारी वर्क की, तो वर्क की यूनिट आएगी यहाँ से, देखिए फोर्स का क्या होता है न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा मीटर। तो न्यूटन मीटर, या इसके बेस पर अगर डायमेंशन के बेस पर लिखी हुई तो क्या हो जाएगा के जी
मीटर स्क्वायर टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड की पावर माइनस टू। इसी को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, अब ऐसा यूनिट में हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ये हमारे वर्क और फोर्स के हो गए। चलिए नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल लेते हैं। पावर, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का क्या होता है, वर्क का होता है हमारे पढ़ा था हमने एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टाइम का क्या होता है टी। ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर वन, यहाँ भी है ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस थ्री। ये हमारे किसकी आएगी, पावर की यूनिट आएगी। तो पावर की, पावर का डायमेंशन आया, यूनिट क्या होती है पावर की, वर्क अपॉन टाइम, तो जूल अपॉन सेकेंड। तो यहाँ से क्या निकलेगी, जूल अपॉन सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। ये पावर की क्या हो गई, हमारी यूनिट हो गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, पावर के बाद जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एनर्जी। एनर्जी गाइस, यहाँ पर एनर्जी चाहे हमारी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, कोई भी एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन हमेशा क्या होती है, सेम होती है। जैसे यहाँ पर देखिए एनर्जी, एनर्जी हम काइनेटिक एनर्जी का निकालते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी का स्क्वायर। तो जो नंबर होते हैं, एक और याद रखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, कोई भी नंबर होगा, नंबर जो हमारा नंबर होता है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है, नो डायमेंशन लिख देता हूँ, नो डायमेंशन। जो नंबर होते हैं हमारे उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, जैसे 1/2 है यहाँ पर, तो 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होगी। जहाँ पर भी आपको नंबर देखेगा, नंबर की डायमेंशन नहीं रखेंगे, उसको छोड़ देंगे वैसे ही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम की डायमेंशन क्या होती है, एम को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, एंड वेलोसिटी का मैंने बताया था, वेलोसिटी का कितना होता है एलटी माइनस वन, उसके ऊपर क्या कर देंगे स्क्वायर। तो क्या आएगा हमारे यहाँ पर, आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो यहाँ से देखिए यही डायमेंशन क्या होती है, वर्क की होती है, और आपको क्लास 9th तक पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो डायमेंशन वर्क की होती है, और वही क्या होती है हमारी एनर्जी की डायमेंशन होती है। और एनर्जी कोई भी हो, सभी एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, या कोई भी काइनेटिक एनर्जी हो, उसकी डायमेंशन क्या होगी, हमारी सेम होगी। और वो डायमेंशन क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और यूनिट भी क्या होगी एनर्जी की, कोई भी यूनिट है उसकी, जो कोई भी एनर्जी है उसकी यूनिट हमेशा क्या होती है, जूल होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कुछ और डायमेंशन पढ़ते हैं, प्रेशर की पढ़ते हैं। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन मैंने अभी आपको बताई क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया। एरिया की डायमेंशन क्या होती है, एरिया की डायमेंशन होती है हमारी एल का स्क्वायर। इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एम, एल की पावर वन है, और टू ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एम एल की पावर माइनस टू वन, और टी की पावर कितना हो जाएगा माइनस का टू। ये हमारी क्या आ गई, फोर्स की डायमेंशन आ गई। अभी फोर्स की यूनिट, प्रेशर की यूनिट क्या होगी, सॉरी ये डायमेंशन हमारी प्रेशर की निकली है, प्रेशर की यूनिट क्या होगी, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी हमारी, इसकी यूनिट निकालने में सीखे, यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा टॉर्क। टॉर्क भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। आप ये टॉर्क सेकंड बुक में पढ़ोगे, क्लास 11th फिजिक्स के सेकंड बुक में पढ़ोगे। टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितनी, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, एंड इनटू डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, एल। तो क्या हो जाएगा इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, तो एल यहाँ वन है, एल यहाँ भी वन है, तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ऐसी डायमेंशन हमारी किसकी आई थी, एनर्जी की। तो इसका मतलब टॉर्क और एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यूनिट निकालते हैं तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, इसकी यूनिट हो जाएगी फोर्स की न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी। कैपिटल जी का डायमेंशन ऐसे निकालेंगे, देखिए जो न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ था वो क्या था, एफ इक्वल टू क्या था, जी एम वन एम टू अपॉन आर का स्क्वायर। यहाँ पर एफ था फोर्स, जी ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, इसकी डायमेंशन में निकालनी है, एंड एम मास है, एम टू भी मास और आर डिस्टेंस है। तो यहाँ से जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू। अब यहाँ पर देखिए एफ की डायमेंशन क्या होती है, अभी निकालते हैं हमने एम एल टी माइनस टू इंटू आर का क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू। एम वन क्या हो जाएगा, मास का एम इंटू एम क्या हो जाएगा, एम का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, यह आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर एम एल की पावर टू और वन कितना हो जाएगा थ्री, टी की पावर माइनस टू अपॉन एम इंटू एम क्या हो जाएगा, एम का स्क्वायर। अब जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे क्या हो जाएगा इसका, एम अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ वन है, टू ऊपर जाएगा तो माइनस टू, तो क्या हो जाएगा एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री, टी की पावर माइनस टू। ये हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी की क्या आएगी, डायमेंशन आएगी। अब जी की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट निकालते हैं इसकी, इसकी जो यूनिट होगी हमारी, यूनिट होगी देखो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन इंटू आर का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर और अपॉन में एम वन इंटू एम टू। तो के जी इंटू के जी क्या हो जाएगा, के जी का स्क्वायर। ये क्या आएगी इसकी,
यूनिट आएगी। अब नेक्स्ट हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है इम्पल्स, इम्पल्स क्या हमारा फोर्स इंटू टाइम, तो क्या होगा इसका फोर्स का हो जाएगा हमारा एम एल टी माइनस टू इंटू टाइम का क्या होगा टी, देखो टी की पावर वन या टी की पावर माइनस टू, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा एम एल टी की पावर कितना हो जाएगा माइनस वन, ये हमारा डायमेंशन है किसका इम्पल्स का। और इम्पल्स की यूनिट क्या होगी, तो इसकी जो यूनिट होगी किसकी इम्पल्स की यूनिट फोर्स का क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड, तो न्यूटन इंटू सेकेंड। होप आपको अब डायमेंशन फॉर्मूला निकालना क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।